हेलो व्हाट्सअप गाइस, आप लोगों का फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है यूनिक टेक्निकल टिप्स। आज फिर मैं लेके आया हूं आपके लिए एकदम नई वीडियो। आज का अपना टॉपिक है कि ये जो अपन वीडियोस अपलोड करते हैं तो ये अपन से YouTube अपन से एक वेरीफाई करता है कि ये छोटे बच्चों के लिए या बड़े बच्चों के लिए। तो अगर आप इसमें गलत भरते हैं, आपका कंटेंट अलग है और आप अलग भर देते हैं तो आपके चैनल पे ऐड कभी नहीं आएगी और आप लोगों को लॉस भी बहुत हो सकता है अगर आप गलत पे टैग करते हैं। तो अपन बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब अपन को करना है अपना YouTube ऑन, जैसे कि मैं कर चुका हूँ। मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर दी थी ताकि आप लोगों को मैं शॉर्ट्स में बता सकूँ कि आगे मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ। तो इसके अंदर ये पूछ रहा है यस इट्स मेड फॉर किड्स, मतलब कि ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए है। मतलब कि आप वीडियो, जैसे कि मैं आपको वीडियो भी बता देता हूँ, जैसे कि अगर आपने कोई कार्टून की वीडियो डाल रखी है तो आप इस पर टैप करेंगे कार्टून वालों की, तो अगर आप इस पर टैप कर देते हैं ना तो आपको लॉस भी बता देता हूँ मैं। क्या क्या होता है आपका लॉस होता है कि आपका डिस्क्रिप्शन आपका बंद हो जाता है। मतलब कोई भी आपको मैसेज नहीं कर सकता, कोई भी आपके वीडियोज़ के बारे में बता नहीं सकता कि उस बच्चे को कैसे लगे, क्योंकि वो तो एक बच्चा है। जैसे कि आपने टैप कर दिया, अगर आप नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, मतलब कि ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है। और छोटे बच्चे ये कौन से हैं? 13 साल से छोटे बच्चे, एकदम ऐसे लल्ला लल्ला लोरी वाले छोटे बच्चे नहीं, 13 साल से छोटे बच्चे, इतने ज़्यादा भी छोटे नहीं है। तो है ना, ये 14 साल वाले सब बड़े होते हैं, तो इसलिए अपन को इस पर नॉट मेड इट्स किड्स पे अपन को टैप करके रखना चाहिए ताकि अपनी वीडियो सबको दिखाई देगी। और है ना, आपसे जस्ट नीचे आपसे एक और ही क्वेश्चन पूछता है कि आप अगर आपकी वीडियो 18 साल से बड़ी है, मतलब कि एडल्ट वीडियो है या छोटी वीडियो है। एडल्ट वीडियो, और आप जानते हो एडल्ट वीडियो कैसी होती है, जैसे कि मूवी और में कई सीन होते हैं जो अपन छोटे बच्चों को नहीं दिखाना चाहते, तो वो होती है एडल्ट वीडियोज़, आप जैसे कि जानते हैं। तो इसके अंदर ये पूछता है कि 18 साल से बड़े बच्चों को दिखानी है या नहीं। अगर आप यस 18 साल से बड़े, तो ये है ना, जिन बच्चों ने अपना यूट्यूब ईमेल से साइन कर रखा है ये वीडियो सिर्फ उन्हीं को दिखाई जाएगी अगर आप यस पे कर देते हैं। अगर आप नो पे करते हैं तो ये वीडियो 18 साल से छोटे बच्चे भी, मतलब 13 साल से बड़े भी और 13 साल से छोटे भी। अगर 13 साल से छोटे बच्चे तो कार्टून ही देखते हैं ऐसे ज़्यादातर, तो अगर 14 जन होते हैं, 14 साल वाले बच्चे, वो भी वीडियो देख सकते हैं अगर आप नोट इस वेरीफाई ये 18 ईयर्स ओल्ड करवा देते हो तो। इसके अंदर आपको ये फायदा मिलता है, अगर आप ये भी करते हो तो आपका डिस्क्रिप्शन भी ऑन रहता है, सब कुछ ऑन रहता है, जिसके कारण आपकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल होती है। अगर आप ये दोनों ऑप्शन अगर गलत भर देते हैं तो आपका वीडियो में कभी भी ऐड नहीं आएगी। जैसे कि आप चाहते हैं कि 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद और 4000 घंटे वॉच टाइम होने के बाद ही आप अपनी अर्निंग चालू करना चाहते हैं, जैसे कि आप ज़्यादा जने तो अर्निंग चालू करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए बहुत ज़रूरी चीज़। अगर आप गलत भर देते हैं तो आप कभी भी आपकी ऐड नहीं आएगी आपके चैनल पर, हो सकता है कि आप आगे जाकर चैनल यूट्यूब ब्लॉक भी कर दें। तो प्लीज़ इस चीज़ का एकदम ध्यान रखना। ये ज़्यादातर टेक्निकल जो भी होते हैं ना, टेक्निकल फनी वीडियोज़, तो उस पर आपको ये टैप करके रखना है। आपको अब आपको इतना तो ध्यान होएगा कि आप किस टॉपिक पर वीडियो बना रही हो, ये छोटे बच्चों के लिए है बड़े बच्चों के लिए। अगर वो छोटे बच्चों के लिए बड़े बच्चों के लिए, तो आपको नोट इस नोट मेड फॉर किड्स पर टैप करके रखना है। और है ना, आप अगर चाहते हैं कि एडल्ट वीडियो है, कुछ भी कोई भी लास्ट सीन है, तो है ना आप इस पर ये नोट 18 ये 18 ईयर जो भी है इस पर टैप करके रखना, इस पर मत करना जो हो सके तो। और अगर आप वीडियो अपलोड कर चुके हो और फिर आपको याद आता है कि आपने गलत पूरा ब्लॉग गलत भर दिया, तो आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आप वहाँ से भी जाकर सही कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अपना यूट्यूब स्टूडियो खोलना, जैसे कि सारे यूट्यूबर्स अपना स्टूडियो डाउनलोड करके रखते हैं, इस पर ऑन करते हैं, टैप करने के बाद टैप टप्पी मारने के बाद आपसे अभी आपकी वीडियोज़ दिखा रहे हैं, जैसे कि मेरी वीडियोज़ दिखा रहे हैं आपको। तो इसके अंदर ये वीडियो जरूर देख लेना, ये एक चीज़ करने से कभी भी कॉपीराइट नहीं आता भाई, रियल बता रहा हूँ, कभी कॉपीराइट नहीं आएगा। तो जैसे कि इसमें ना मैं बताता हूँ कि मैंने क्या भर रखा है बच्चों के लिए या बड़ों के लिए। जैसे कि पता है ये बड़ों के लिए, ये बच्चों बड़े जो देखना चाहे वो देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर कोई लिमिट नहीं है, एज लिमिट। अगर 1 साल का बच्चा भी अगर वीडियो बना सकता है ना तो इस पर बना सकता है, कोई भी मना नहीं है। अब ये देख सकते हैं, आपको यहाँ पे जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि वीडियोस अपलोड होने के बाद अपन को कभी कभार पता चलता है कि अपन ने डिस्क्रिप्शन और सब कुछ गलत भर दिया है, तो अपन यहाँ पे स्टूडियो में जाके अपनी है ना सेट कर सकते हैं वीडियो। और यहाँ पे देखो दोनों ऑप्शन बता रहा है, तो आपको क्या करना है, बेसिकली सिर्फ आपको है ना ये ऊपर पेंसिल आइकन दिख रहा है, इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपके आगे ऐसा इंटरफेस आएगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये नोट इट्स नोट मेड फॉर किड्स ये वाला ऑप्शन आ चुका है, इस पर टैप करते हैं। टैप करने के बाद आप कर सकते हो, बस मैं बोल देता हूँ भाई, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई, पंखा बंद करना पड़ता है, गर्मियों का सीजन चल रहा है, बहुत गर्मी लगती है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जितना हो सके भाई भाई को सपोर्ट करो यार, अपने भाई को। आप लोगों के लिए वीडियोज लाता रहता हूँ यार रोजीना, प्लीज़। ओके, गुड बाय।